नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। आज देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ भाई दूज का महान पर्व मनाया जा रहा है। बता दें कि देश भर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर महिलाएं अपने भाइयों की लंबी उम्र और दीर्घायु की कामना कर रही हैं, अपने भाइयों के लिए पूजा पाठ कर रही है पूरे विधि विधान से और भगवान से अपने भाइयों के लिए आशीर्वाद ले रही है। अब इसी कड़ी में बिहार के पश्चिम चंपारण से कई तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी अपने भाइयों के दीर्घायु के लिए भगवान से कामना करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ वो भाई दूज का पर्व मनाते हुए दिख रही है और अपने भाइयों को बजरी खिलाते हुए भी नजर आ रही है। क्या कुछ चल रहा है रेणु देवी के आवास पर, कैसे वो पूजा अर्चना कर रही है अपने भाइयों को लेकर, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है वहां से और क्या कुछ कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का, आइए आपको सुनवाते हैं। भैया दूज के अवसर पर सबसे पहले तो सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। आज का पर्व इतना बड़ा पर्व होता है कि बहनों अपने भाइयों के लंबी आयु के लिए और उस आयु के लिए वो कामना करती हैं और कहती हैं कि भैया के बाढ़ो सिर पगिया भौजो को बाढ़ो सिर से दूर होना अजिया सो मोरा भैया जिया भैया लाख बरिस। और ये पूरे समस्त परिवार, पूरे समस्त भारतवर्ष के भाई, हमारे जितने हैं विश्व के जो भाई हैं सबके लिए भारत की बहनें कामना करती हैं कि स्वस्थ रहें, अच्छा रहें और इसमें विकास में काम करें और भगवान उनको लंबी आयु दे और स्वस्थ रखें, इसके लिए यही कामना के लिए वो पूजा करती हैं। और 6 महीना जो हमारे विष्णु भगवान सोए रहते हैं, जो 6 महीने के बाद में उठते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं और उस समय से जो हमारा घर का जो शुभ मुहूर्त काम जो शुरू होता है, बच्चों का शादी ब्याह सबके लिए ये पर्व जो है आज का भैया दूज गोवर्धन पूजा बहुत बड़ा पूजा है। इस पूजा से समस्त बिहारवासी, क्या समस्त भारतवासी को भी मैं शुभकामनाएं। बता दें कि बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भाई बहन का महान पर्व भाई दूज पर भाइयों को बजड़ी खिलाई और बिहार व भारत के समस्त भाइयों की लंबी आयु की, जिए भैया लाख वर्ष की कामना के साथ ही साथ छठ पर्व करने वाले श्रद्धालुओं को छठ का सामान भी वितरण किया। भाई बहन के अटूट प्रेम का महान पर्व भैया दूज आज पश्चिम चंपारण जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अपने भाइयों की लंबी उम्र व दीर्घायु होने की कामना करने के लिए महिलाएं बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाती हैं। पूरे देश की आधी आबादी भाइयों के लिए इस पर्व को मनाती है और अपने अपने भाइयों के लिए भगवान से आशीर्वाद भी मांगती है। इस पर्व की खासियत यह है कि इसमें बहनें अपने भाइयों को श्राप देती है, उन्हें बद्दुआएं देती है और फिर पूजा करती है। पूजा के बाद बहनें रेंगनी के कांटों से अपनी जीभ को लहूलुहान कर भगवान से माफी मांगती है और उसके बाद ईश्वर से अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआएं करती है। पारंपरिक लोक गीतों के माध्यम से बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करने के बाद उन्हें बजड़ी खिलाती है और नारियल व मिठाई देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। भाई इस पावन पर्व पर अपनी बहनों को सामर्थ्य अनुरूप उपहार व पैसे देकर उन्हें खुश करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मौके पर बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी अपने बेतिया स्थित आवास पर भाइयों को बजड़ी व मिठाई खिलाकर बिहार व भारत के सभी भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हुई नजर आई। बता दें कि भाई दूज के मौके पर बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी अपने बेतिया स्थित आवास पर नजर आए जहां पर उन्होंने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और साथ ही साथ अपने भाइयों को भाई दूज के मौके पर बजड़ी खिलाते हुए नजर आए। साथ ही साथ रेणु देवी ने समस्त देशवासियों को छठ पर्व को लेकर शुभकामनाएं भी दी और छठ का सामान भी वितरण किया। अभी के लिए इतना ही, कई अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।